गुड टाइम से दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारी कॉल्स और मैसेज आते हैं, जिनमें कल भी मुझे एक कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको मेरे जो वीडियो हैं वो बहुत पसंद आते हैं और वो करीब 5 लोगों को शेयर भी करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप 5 लोगों को ही क्यों सेंड करते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं, तो उन्होंने बताया था कि मेरे जो जो व्हाट्सएप है उसमें केवल 5 लोगों को ही सेंड करने का ऑप्शन है, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप सीख पाएंगे कि एक साथ 256 लोगों को कैसे कोई भी मैसेज शेयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप खोलिए और वहाँ पर आप देख कोई भी मैसेज ले लीजिए। मान लीजिए कि आपका ये मैसेज है और आप इसको भेजना चाह रहे हो तो आप भेज सकते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे हम 5 लोगों को सेंड करते हैं तो एक मैसेज आ जाता है कि आप केवल 5 लोगों को ही सेंड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि हम 5 से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर पा रहे हैं इजीली, और इस तरह से हम 256 लोगों को एक साथ शेयर कर सकते हैं। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब से नया व्हाट्सएप आया है, नई अपडेट्स आई हैं, उनमें ये ही फीचर है कि आप एक बार में केवल 5 लोगों को ही शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि आपका अभी जो व्हाट्सएप है आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर जाके जो पुराना व्हाट्सएप है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसी तरह से व्हाट्सएप चला पाएंगे, 256 लोगों को आप सेंड कर पाएंगे। एक ऑप्शन तो ये होता है, दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप नया वाला ही रखना चाहते हो तो उसमें भी एक ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट भी हम देख लेते हैं। जो सबसे सेकंड नंबर पे है ब्रॉडकास्ट, आप इसमें भी जाके एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि ये है, और न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और इसमें आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है वो सारे आप इसमें से लिस्ट बना सकते हैं इस तरह से, और करीब 256 लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए और कोई भी मैसेज आप उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो अननोन नंबर होते हैं, अननोन नंबर को आप सेंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं है नंबर, आप उन लोगों को सेंड नहीं कर पाते हैं, और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नंबर हैं आप केवल उन्हीं को सेंड कर सकते हैं। तो इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है ब्रॉडकास्ट का और नॉर्मल मैसेज का। तो आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अननोन नंबर आते हैं और मुझे उन लोगों को भी IMC की पूरी जानकारी देनी होती है, तो मुझे पुराना व्हाट्सएप ही सही लगा और मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। तो दोस्तों, पुराना जो व्हाट्सएप है उसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने व्हाट्सएप में दे दिया है लिंक, आप वहाँ से उसको इंस्टॉल करिए और 256 लोगों को एक साथ आप सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो प्रॉब्लम रही होगी व्हाट्सएप को लेके वो सॉल्व भी हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।